अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैर होंगे। सो गाइस, आज फिर दोबारा मौका मिल गया है ब्लॉग बनाने का, तो ब्लॉग बनाते सार आज मुर्गे शुरे सामने हैं, देख सकते हैं आप, मुर्गे बाहर खुले हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा था और ऊपर हमारे घर पे काम भी स्टार्ट हो गया है, तो मैंने बोला करते हैं ब्लॉग स्टार्ट, आपको भी दिखा देते हैं। मैंने फिर रेस्ट ले लिया 8 दिन का, जिसमें घर को बनता रहे, मैंने आपको दिखा ही नहीं सका। ऊपर से मैं लाहौर चला गया था, मिनी छोटा सा व्लॉग बनाया होगा शायद लाहौर का मैंने, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका, तो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके। सो गाइस, मैं छत पर आ गया हूँ, ऊपर आते आते धूप निकल रही है, ऊपर से दिन के 2 हो रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप, व्लॉग कट हो गया था। ये देखें, ये हमारी है पहली बुनियाद, एक द्वार यहाँ पर लगी है, एक द्वार यहाँ पर लगी है, ये हमारे कमरे की द्वार है। ये इस साइड पे दादा 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 और दादा बू का कमरा वगैरह होगा। ये हमारा जो छत है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारी जगह खाली थी, तो ये जगह अब फुल हो जाएगी। ये हम छत पूरा कर देंगे जब ये डलेगा, तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो बाकी हमारा दूसरा कमरा देख सकते हैं जी, वीडियो में आपको काफ़ी छोटा लग रहा होगा लेकिन है ये काफ़ी बड़ा, वो दरवाजे की जगह है। तो ये है हमारी खिड़की, मैसेज चाचू का मैसेज आया, चलो खैर। ये हमारा किचन विचन होगा, ये एक और कमरा होगा, ये बाथरूम है, यहाँ पर एक और वो कमरा होगा जो यहाँ से लेके वहाँ तक सारा छत डलेगा। तो ये बाथरूम है, बाकी ये सारा टू लॉन्च यहाँ से होगा, जहरी बात है वो लास्ट तक होगा। ये छत डलेगा तो काफ़ी ज़्यादा हर जगह होगी, तो वहाँ से सीढ़ियों से जब हम ऊपर चढ़ कर आएँगे तो सामने टीवी लॉन्च होगा, बैक साइड पे उधर किचन होगा। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सेटिंग होगी यहाँ पर। आप पता है आपको इंटों की द्वार वगैरह लगी हुई थी, हमने तोड़ दिया, वो हमारा पुराना कबूतरों का घर, कबूतरों की बड़ी याद आती है। कबूतर खैर हमारे पास नहीं है, अब लेकर आएंगे इंशाल्लाह, जल्दी लेकर आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो कबूतरों की बात की, अभी एक कबूतर गुजर रहे हैं जी, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गए। चलो लेकर आएंगे हम भी इंशाल्लाह, ये कमरे का छत भी तोड़ेंगे, दोबारा से छत डलेगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा सारा सिस्टम। बाकी मैंने बोले आपको दिखा देते हैं कमरे वगैरह, ये 9 पे 5 में घर बने, फिर आप बोले ये क्या घर बनने के बाद हमें दिखा रहे। ये हमारा उधर तक सारा छत डलेगा, ये जितना भी है छत डलेगा, बाकी वो सामने प्लाट है हमारा, उधर भी घर बनेगा। तो ये दोनों कमरे हैं, तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। फिर दोबारा वीडियो कट होगी जी, फिर दोबारा बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्या करें, मैंने टाइमिंग लगाई होती है, टाइमिंग के 2 मिनट की टाइमिंग मैंने लगाई होती है, कभी 3 मिनट की लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चलता है व्लॉग हमारा कितना ज़्यादा हो गया। सो जिस मैं टाइमिंग लगाता हूँ, टाइमिंग पूरी हो, व्लॉग बंद हो जाता है, बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, खुद की टाइमिंग लगाते हैं। अभी मैं अपने कमरे के अंदर हूँ, ये मेरा कमरा शायद हो, कोई पता नहीं है, लेकिन जो भी है अभी बंद है, तो व्लॉग बना रहे हो देख सकते। बाकी मौसम फिर दोबारा ठंडा हो गया है, लेकिन धूप निकल रही है, तो मुझे नीचे घर बुला रहे हैं, बोल रहे हैं गर्मी है बहुत ज़्यादा, नीचे आ जाओ, तो मैं उनकी बात सुन के ऊपर आता हूँ, फिर बाकी लोग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस वापस ऊपर आ चुका हूँ, घर वाले बोलते दूध ले, और दूध लेने चला गया था, दूध लेने के लिए गया, 30 मिनट इधर लग गया मुझे। बाकी अब मौसम सेट हो गया, अब थोड़ा सा मौसम सेट हो पियो। सो गाइस, यहाँ पर तो कबूतर आके बैठा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ, हुई 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 कबूतर आके बैठा हुआ है। ये तो आज कबूतरों की बात कर रहे थे, ऊपर से कबूतर आ गए, कुछ तो करना पड़ेगा। आ चाचू के एक मैसेज आ रहे बार बार, रुकिए मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ, वो वीडियो बनाएगी, मैं कबूतर को पकड़ लूँगा। ओ ओढ़ गए, नहीं 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 नहीं, वो कुकी जी कबूतर नहीं था, हाँ कबूतर अभी बैठा है, वो कुकी जी, हाँ जी वो बैठी है, हमारा कबूतर ये बैठा हुआ है। मैं बहन को बुलाता हूँ, वो मोबाइल पकड़ेगी, मैं फटाफट कबूतर को पकड़ लूँगा। सो गाइस, मेरी बहन नहीं है घर पर, मेरा दिल है यहाँ पर मोबाइल रखता हूँ, साथ साथ स्क्रीन कैप्चर भी कर लेता हूँ कि हम कबूतर पकड़ रहे हैं, साथ साथ आपको नज़र भी आ जाएगा, साथ साथ मैं फटाफट कबूतर भी पकड़ लूँगा, स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग भी कैप्चर हो जाएगी खुद ब खुद। तो मैं मोबाइल रख के चेक करता हूँ किस तरह कैप्चर हो रही है।
सो गाइस मैंने मोबाइल रख दिया है, नज़र आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मोबाइल रख दिया है और अब मैं जाता हूँ कबूतर को पकड़ने। कबूतर उड़ने की फिराक में लगा हुआ है, लेकिन हमने पहले भी कबूतर पकड़ा हुआ था, आपने वीडियो में देखा हुआ है, तो हम जाते हैं कोशिश करते हैं शायद हम कबूतर को पकड़ लें। बाकी अभी फुल सुस्त हुआ है, लेकिन थका हुआ बैठा हुआ है, तो उसको भी नहीं पता मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ। बाकी मैं जाके कोशिश करता हूँ उसे पकड़ने की। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये अभी मौसम ठंडा है, कोई पता नहीं है, शायद इसको गर्मी ना लगी हो। तो गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद इसे मैं पकड़ लूँ। तो गाइस कबूतर उड़ गया है, सात बजे के घर गया, मैं तो जाके इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस सात बजे के घर में चला गया, मैं फटाफट जाके कोशिश करता हूँ उसे पकड़ने की। तो बैग की अपना हलिया भी सेट कर लूँगा ना, वो बोले ये कौन आ गया, तो मैं जाता हूँ फटाफट, तो आपको दिखाता हूँ। सो गाइस कबूतर के पर बंधे हुए थे, जिस वजह से वो ज़्यादा उड़ नहीं सका, इनके घर में दरख्त के ऊपर गिर गया, तो मैं कोशिश करता हूँ उसे पकड़ लूँ। तो अगर मैं इसे पकड़ सकता हूँ तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी दरख्त के ऊपर बैठा है, कोई पता नहीं है, शायद हमारे हाथ में आए या ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैंने बैल काट दिया है, अभी तक कोई आया नहीं है। हमारे पड़ोसी हैं, उस गली में हमारा घर है, लेकिन इनका प्लाट हमारे प्लाट के साथ अटैच हुआ है। बाकी मैंने बैल बजाई है, शायद कोई आ जाए, कोशिश करते हैं। बारिश भी लगने वाली है, मौसम बन गया बारिश का, बारिश लग पड़ा तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आ जाए वो, तो मैं इसे पकड़ लूँ। चलो ट्राई करते हैं, शायद वो आ जाए, काफ़ी टाइम हो गया नहीं आ रहे वो। एक बार और बैल कर देता हूँ, अभी ना आए तो फिर तो इजाज़त ही नहीं है तीन से ज़्यादा बार वो करने की, तो फिर मैं चला जाऊँगा। ठीक है, सो गाइस अंकल ने इजाज़त दे दी है, वो सामने है कबूतर, तो मैं कोशिश करता हूँ उसे पकड़ने की, इसके पर बंधे हुए हैं। तो ये ले, तो गाइस मैंने कबूतर पकड़ लिया, इसके पर बंधे हुए थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा इसके पर बंधे हुए थे, इसे मैंने फटाफट पकड़ लिए। बाकी यहाँ पर अमरूद वगैरह लगे हुए हैं, एक तोड़ लेते हैं, खाए लेंगे। सो गाइस मैं कबूतर पकड़ के ले हूँ, मेरे हाथ में अमरूद है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं घर जाता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये इसे मैं छोड़ देता हूँ, इसके पर बंधे खुल गया, पर ओ शो मुर्गा मार रहा था, तो मैं अमरूद रख के आता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सो गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ और मैंने कबूतर को भी पकड़ लिया है, ये रहा कबूतर। मुझे पता नहीं था जब ये छत पर था तो इसके पर बंधे हुए थे, मुझे अगर पता होता तो मैं इसे उसी वक्त पकड़ लेता, मुझे डर ना था, मैं डर रहा था, मैंने बोला ये उड़ ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कबूतर को पकड़ लिया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा कबूतर लग गया, आपको कैसा लग गया है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज का कॉन्टेंट भी हमें मिल गया, वैसे मेरा कॉन्टेंट था घर, हमारा घर का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन इस कबूतर ने हमें अपना कॉन्टेंट खुद दे दिया। बाकी इसे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके पर बंधे हुए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। शो एक तो मुर्गे जैसे मार रहे हैं, पहले कबूतरों को नहीं मारते, जैसे मार रहे हैं लगता है इससे नाराज़ है, क्यों आयो मुर्गे वगैरह खुले में, मौसम भी सेट हो गया है, देख सकते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं, ब्लॉग यहीं पर कट कर दूँ ना, क्योंकि आप तो और क्या ब्लॉग बनाना, आपको कबूतर भी पकड़ लिया है, बाकी सेट हो गया सब कुछ। तो आज की वीडियो इतनी थी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं कल किसी वीडियो के साथ, किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।